भी जिंदगी में जब कोई किसी नई पारी की शुरुआत करता है तो अक्सर भगवान का आशीर्वाद जरूर लेता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा जैसा दमदार किरदार निभाने के बाद अपने नए शो को शुरू करने से पहले एक्ट्रेस शिवांगी जोशी भी माँ भगवती का आशीर्वाद लेने पहुँची। जी हाँ, हाल ही में शिवांगी जोशी अपने दुबई वेकेशन से जैसे ही लौटी, शिवांगी अपने परिवार के साथ पहुंच गई वैष्णो देवी माँ जगदम्बा की कृपा पाने। वैष्णो देवी से शिवांगी ने अपनी कई वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर भी किया है। इन वीडियोस में शिवांगी कभी खच्चर पर बैठी माँ के भवन की तरफ बढ़ती नजर आई तो कभी अपने परिवार के साथ मस्ती करती। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद लेने के बाद शिवांगी ने अमृतसर जाकर दरबार साहिब में माथा भी टेका। वेल, जिस तरह से शिवांगी कभी माँ वैष्णो तो कभी गोल्डन टेंपल में माथा टेक आशीर्वाद हासिल कर रही हैं, उससे साफ है कि शिवांगी अब वापसी को बिल्कुल ही तैयार है और भगवान की कृपा पाने के बाद वो अपने फैंस को जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट का बड़ा तोहफा देने आ रही है। हालांकि शिवांगी का ये नया प्रोजेक्ट क्या होने वाला है फिलहाल इस बारे में कुछ खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि शिवांगी ने कई म्यूजिक वीडियो के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्री में कई फिल्में साइन की हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि शिवांगी OTT पर भी अपनी पारी की शुरुआत करने वाली है। कहा तो ये तक जा रहा है कि ये रिश्ता के बाद शिवांगी जोशी टीवी के कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की निगाहों में है और वो उन्हें अपने शो में लेने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं। मतलब देखना तो ये है कि माँ का आशीर्वाद पाने के बाद जब शिवांगी मुंबई वापस आएंगी तो अपने किस प्रोजेक्ट का ऐलान कर फैंस को बड़ी खुशखबरी देती हैं। आपको क्या लगता है और आप कितने बेताब हैं शिवांगी की वापसी को लेकर, बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में।